पालमपुर के पास लगते ठंडौल गांव में चोरी का मामला सामने आया है, जहां पर हिमाचल के लोकप्रिय गायक कुमार बिक्की के घर में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया और उनके घर से 18 से 20 हजार की नकदी चोर उड़ाकर ले गए। आपको बता दें, कुमार बिक्की एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं और उनके पिता मजदूरी करते हैं। कुमार बिक्की ने हिमाचल एक्सप्रेस से बातचीत करते हुए कहा कि रात तक सब ठीक था, लेकिन जब सुबह उठकर देखा तो सारा सामान बिखरा हुआ था, जिसके बाद उन्होंने ग्राम पंचायत के प्रधान को इस बारे में सूचित किया, जिसके बाद प्रधान ने पुलिस को सूचित किया और पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। नमस्कार, हिमाचल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं सन्निधि मान। आज ग्राम पंचायत ठंडौल में चोरी का मामला सामने आया है, आइए उनसे बात करते हैं। कुमार बिक्की जो एक हमारे स्थानीय कलाकार हैं, उनसे बात करते हैं। बिक्की जी, क्या हुआ आपके घर में शाम को? सर, हुआ ऐसा कि हमारे घर के मेरे मम्मी जी गए हुए थे शादी में, और ठीक 7 बजे हमने इस कमरे से, जिस कमरे में चोरी उस कमरे से एक रजाई निकाल के अपने बेड पे रखी, और उसके बाद हम खाना खाने पड़ोस में चले गए हमारे मासी जी के घर में। और जब हम रजाई निकाल रहे थे तब तो यहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन जब उसके बाद हमने नहीं देखा आके, उसके बाद हमने सीधा सुबह ही देखा जी, जब पापा जी भी शादी में जा रहे थे, उन्होंने पैसे निकालने के लिए देखा तो वहाँ पे सब कुछ बिखरा पड़ा हुआ था और पैसे उसमें से एक भी नहीं। और आपने पुलिस प्रशासन को इसकी सूचना दी? जब हमने इसको देखा तो हमने अपने ग्राम पंचायत ठंडोल के प्रधान को बुलाया और उनके थ्रू ही जी हमने पुलिस को फोन किया है। अच्छा, पुलिस अब तक नहीं आई हुई, आ जाएगी? अभी तक नहीं आई जी, लेकिन उन्होंने बताया हुआ था कि 2 बजे के बाद आ जाएगी। ठीक है। और कितना, कितनी चोरी हुई, कितने पैसे चोरी हो गए? इसमें रखा हुआ था जी कि 18-20 हजार रुपया था, वो सारा निकल चुका है। हिमाचल एक्सप्रेस के लिए खैरा से सन्नी धीमान की रिपोर्ट।